12/3/2023 को जो ये अपने आप को मियां बीवी फर्जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस मैरिज को हमने चैलेंज कर दिया इस केस के माध्यम से। हमने 12/3/2024 को फर्जी एनिवर्सरी जो मनाई है उसको हमने चैलेंज कर दिया है। हमने एपी सिंह जी द्वारा जो ये कहा गया कि सचिन सीमा बोलिए, उसको कोर्ट में हमने चैलेंज कर दिया है। हमने इनके धर्म परिवर्तन को चैलेंज कर दिया है, जो ये पूरी दुनिया का मूर्ख को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन बच्चों के कन्वर्जन को चैलेंज कर दिया है। हमने इस केस द्वारा जो पंडित जी ने गलत फेरे फिरवाए हैं उसको हमने चैलेंज कर दिया है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्र। तो आप लोगों ने यह क्लिप देख ली है, ये है मुमिन मलिक साहब का जो उन्होंने एप्लीकेशन डाली है, और उन्होंने SHO जेवर के पास भी एप्लीकेशन डाली है, यानी कि जो मुकदमा लिखा है उसकी कॉपी दी है, और इसके साथ ही साथ रघुपुरा जो थाना है उसके अंतर्गत भी उन्होंने भेजा है। उन्होंने ये एप्लीकेशन में लिखा है कि एक तो सबसे पहले रोक लगाई है, एक तो ये जो फर्जी इन्होंने जो शादी बताया है 12 अप्रैल की 2023 की नेपाल वाली, उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया है क्योंकि वो हुई नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे इंडिया में आने के बाद जो है, अब ये जो इधर इन्होंने 12 या 14 तारीख को जो मैरिज एनिवर्सरी मंगनाई है, जो कि फर्जी शादी, फर्जी उसकी एनिवर्सरी है, उसको भी इन्होंने चैलेंज किया है। साथ ही साथ उन्होंने जो वहाँ पे पंडित हैं जिन्होंने ये साथ फेरे अभी करवाए हैं उनके ऊपर, और जिनके मुँह बोले भाई कथित तौर पर जो भाई कह रही हैं पी सिंह जी, उनके ऊपर मतलब मुकदमे किए हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने इसको भी चैलेंज किया है। एक तो बच्चों के अडॉप्शन के लिए कहा है कि बच्चों के अडॉप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर इन्होंने कोई लीगली कोर्ट के थ्रू या उसमें अडॉप्शन किया है सचिन मीना ने बच्चों का, तो उसका कोई प्रूफ वो आके दे, क्योंकि उसको भी फिर वो भी नल एंड वायलेंट माना जाएगा, क्योंकि किसी भी बच्चे के अडॉप्शन के लिए अगर बाप और माँ दोनों जिंदा हैं तो दोनों की सहमति ज़रूरी होती है। बिना बाप को बताए किसी और को दे दो कि अब इनका नहीं, अब इनका बच्चा है, तो ये खेल तमाशे वाली चीज़ नहीं होती है। यही सीमा हैदर ने किया है, पहले वहाँ पे थी तो अब तुम्हारा बच्चा है, फिर वहाँ से लेके भागे हैं, अब इनका उसका नहीं है, अब तुम्हारा बच्चा है, पहले मैं उसकी बीवी थी, अब मैं इसकी बीवी हूँ, अब मैं इसकी बीवी हूँ। तो ये चीज़ें उन्होंने कोर्ट पर चैलेंज की हैं। और फिर मोमिन मलिक साहब ने ये भी कहा है कि अगर इन सब के बावजूद अगर इन लोग का बच्चा सचिन और इनका कोई बच्चा हो जाता है, तो ये जितने भी बराती आए हैं जो बराती बनने का दिखावा कर रहे हैं, घराती बराती और पंडित, ये सब जो है नपे जाएंगे। और सीमा हैदर को इस समय होने वाली है 5 से 7 साल तक की जेल, क्योंकि एक तो उन्होंने राष्ट्र का वो किया है, एक तो उन्होंने सेना का बेवकूफ बना के यहाँ पे आई हैं, फर्जी कागज बनवाए हैं, कानून का दुरुपयोग किया है, कानून का उल्लंघन किया है, नियम और जितने भी चीज़ें होती हैं उन सब का दुरुपयोग किया है, उन पे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी धाराएं जो हमने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया है वो लगी हुई हैं। फिलहाल मोमिन मलिक इस केस पे सीधी नज़र बनाए हुए हैं, और आज सुबह 12 बजे से SHO जेवर के साथ मुलाकात में बैठे हुए हैं कि किस तरह से इस केस पे आगे की कार्रवाई हो, अरेस्टिंग हो और ये चीज़ें हों। इस केस पे हम अपडेट आपको देते रहेंगे, नज़र हम पूरी कोशिश जो है वो गड़ाए हुए हैं, क्योंकि हमको भी लगता है कि अब देखिए ईरान से जो आई है, हमने आपकी कल आपने लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, वो लीगली आई है, अपने फादर के साथ आई है और सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके एकदम लीगली आई है, जैसे आना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति हुई, कोई आपत्ति नहीं। ये भगौड़ी भाग के आई, आदमी छोड़ के आई, उसके 4 बच्चे बटोर के लाई, उसका 80,000 महीना भी खा के पी के ख़त्म कर देती थी, उसका मकान, उसके पैसों का मकान, उसको मकान को भी बेच के यहाँ पे भागी आई, पबजी से प्यार हुआ, और इस तरह की हरकतें यहाँ पे कर रही, नाच के यूट्यूब चैनल बना के उठ पटांग चीज़ें ये प्रमोट कर रही है। और औरतों को, हमारे यहाँ की औरतों में ये सब चीज़ें कानूनन नहीं है कि ऐसे एक इसको छोड़ो उसको पकड़ो, उसको छोड़ो उसको पकड़ो, कहीं फेसबुक से प्यार कर लो, कहीं पबजी से प्यार कर लो, तो ये चीज़ें ये गलत इन्फ्लुएंस कर रही है, और आने वाली नस्लों को और महिलाओं को ये गलत रास्ते दिखाने में लगी हुई है। और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा, भाभी सीमा भाभी, वो लोग ये सोच ले कि अगर इनके घर की औरतें ये सब काम करने लगे तो वो कहाँ मुँह छुपाएंगे जाके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम नेक्स्ट अपडेट लेके आते हैं, बहुत जल्द इस पे नए अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आपको इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय बतानी है, और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, भर भर के कमेंट करिए, जो भी आपके दिल में हो सीमा हैदर के विषय में सारे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए।